दोस्तों आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं फोर्ट्रॉन कंपनी का एक ब्लूटूथ स्पीकर जो कि काफी अच्छा स्पीकर है। और दोस्तों हम चेक करेंगे कि इस बॉक्स के अंदर आपको कंपनी क्या क्या देने वाली है और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि ये ब्लूटूथ स्पीकर मुझे कितने का पड़ा और आपको ये कितने का मिलेगा। तो दोस्तों इसके लिए ज्यादा जानने के लिए आज की वीडियो के साथ शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज कुमार और आप देख रहे हैं टेक्निकल सूरज। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कंपनी ने अपने बॉक्स के ऊपर फ्रंट पे दे रखा है कंपनी का नाम जो कि है फोर्ट्रॉन और यहाँ पे लिखा हुआ इंस्पायरिंग क्रिएटिविटी। और दोस्तों जो हमारा ब्लूटूथ स्पीकर है और जो उसका मॉडल नंबर है वो दिया गया है P10 ब्लूटूथ स्पीकर। अगर आप साइड में देखते हैं तो यहाँ कंपनी ने यहाँ पे बार कोड दे रखा है और नीचे दिया गया है मेड इन PRC। और यहाँ पे अगर आप साइड वाले पैनल पे देखते हैं तो यहाँ पे कंपनी ने ब्लूटूथ स्पीकर के कुछ हाईलाइट दे रखे हैं जो कुछ इस तरीके के हैं। LED लाइट्स हो गया, SD कार्ड सपोर्ट, म्यूजिक प्लेयर, वायरलेस स्पीकर, हैंड फ्री फोन और यहाँ पे आपको एक FM का भी फंक्शन देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और गाइज यहाँ पे सबसे आखिरी पैनल जो दिया गया है यहाँ पे नाम दिया गया है फोर्ट्रॉन और नीचे दिया गया है P10 ब्लूटूथ स्पीकर और यहाँ पे दिया गया है स्पेसिफिकेशन। तो मैं आपको बता देता हूँ कंपनी यहाँ पे लिख रखी है कि आउटपुट पावर जो दिया जा रहा है वो है 3W और बैटरी MAH जो आपको दिया जा रहा है वो है 400 mAh जो कि थोड़ा कम है। बाकी मैंने इसको यूज़ किया है दोस्तों तो काफ़ी अच्छा चलता है। तो गाइज यहाँ पे जो आपको स्पीकर का जो वेट मिलेगा वो 170 ग्राम है जो कि काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी हल्का वेट है। और दोस्तों अगर आप इस ब्लूटूथ स्पीकर को लगातार चलाते हैं तो ऑलमोस्ट ये 2.5 घंटा बड़े आराम से चल जाता है। तो चलिए हम जल्दी से इसको अनबॉक्स कर लेते हैं फिर हम चेक करते हैं कि कंपनी इसके अंदर आपको क्या क्या दे रखी है। सो गाइस जैसे कि हमने इसको ओपन किया तो कंपनी ने इसके अंदर भी एक और बॉक्स दे रखा है शायद सेफ्टी के लिए जो कि अच्छी बात है। तो चलिए इसको भी हम खोल देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कंपनी ने अपना एक प्रेम पत्र दिया है इस ब्लूटूथ स्पीकर के बारे में। तो चाहो तो आप इसको पढ़ सकते हो, नहीं तो आप सिंपली साइड कर सकते हो। तो मैं इसको साइड रख देता हूँ। तो दोस्तों हमने रख दिया, अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या दिया गया है। गाइज इसके अंदर हमें हमारा ब्लूटूथ स्पीकर दे दिया गया है जो कि कुछ इस तरीके को देखने को मिलेगा जो कि मैंने आपको बताया था काफ़ी अच्छा ब्लूटूथ स्पीकर है और मैंने इसको यूज़ किया है पर्सनली। इसकी आवाज़ एकदम औसम है और काफ़ी अच्छा चलता है अगर फुल चार्ज हो तो। चलिए इसको साइड रख देते हैं। सो गाइज अगर हम इस वाले पैनल पे देखते हैं तो यहाँ पे आपको कंपनी देती है OTG केबल यानी चार्जिंग के लिए, तो आप इसको चार्ज कर सकते हो। यहाँ पे आपको इसका चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है और ये आपका मिल जाएगा डाटा केबल के लिए सपोर्ट के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि कंपनी ने इसके लिए अडेप्टर नहीं दिया है जो कि मुझे कहीं ना कहीं खटकी ये बात, उनको देना चाहिए था। पर कोई बात नहीं, अडेप्टर तो सभी के पास होता है क्योंकि आजकल तो डाटा केबल वाले ही चार्जर मिलते हैं। तो दोस्तों अब हम इसको साइड कर देते हैं और हमारा जो स्पीकर है वो कुछ इस तरीके को देखने को मिलेगा। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कंपनी ने बहुत ही अच्छा इसका लुक दे रखा है और यहाँ पे जो कलर है वो काफ़ी अच्छा है, गोल्डन कलर दिया गया है जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ पे कंपनी ने दोबारा बैक पैनल पे यहाँ पे अपना स्पेसिफिकेशन दिया है जो कि है आउटपुट पावर, 3 वोल्टेज और आपको यहाँ पे डायरेक्टली बता दिया है कि यहाँ पे आपको 400 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी जो ऑलमोस्ट 2.5 घंटे तक चल जाती है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे अच्छे से देख पा रहे हो तो यहाँ पे इसके नीचे कुछ बटन्स है जो कि है म्यूट, फिर पीछे करने के लिए, आगे करने के लिए, स्टॉप करने के लिए। और दोस्तों अगर आप साइड में घुमाते हैं तो यहाँ पे कंपनी ने दे रखा है ऑन ऑफ का बटन जो कि बहुत ही अच्छा है। अगर आप इसको ऑन करते हैं यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो ब्लूटूथ स्पीकर की जो लाइट है वो अपने आप ही ब्लू रंग में जलती रहती है। जो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये LED सपोर्ट है तो ऑब्वियसली LED का यूज़ ये लोग यहाँ कर रहे हैं। दोस्तों ये स्पीकर काफ़ी अच्छा है और अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको SD कार्ड का जो मेमोरी कार्ड होती है वो यहाँ पे आप डाल के यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे आपका डाटा केबल का जो चार्जिंग पोर्ट होता है वो यहाँ पे लगा के इसे चार्ज कर सकते हैं फुल। और ऑलमोस्ट ये लगभग 1 घंटे में ये फुल चार्ज हो जाता है। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि ये ब्लूटूथ स्पीकर काफ़ी अच्छा है, कंपनी ने काफ़ी अच्छे से इसको बनाया है और दोस्तों ये काफ़ी हल्का भी है और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये एक हाथ के अंदर आ भी जाता है। आप इसको कहीं पे भी कैरी करके ले जा सकते हैं और वहाँ पे गाने प्ले कर सकते हैं। दोस्तों अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि इस ब्लूटूथ स्पीकर की जो आवाज़ है वो कैसी है, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो आपका भी टाइम ख़राब होगा और आप इस वीडियो को छोड़ देंगे। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कि ये ब्लूटूथ स्पीकर मुझे कितने का पड़ा।
सो गाइस इस ब्लूटूथ स्पीकर की जो एक्चुअल प्राइस है वो है 600 रुपये, और इसका प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, तो अभी का मैं बता नहीं सकता। बाकी अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये 600 रुपये का मुझे मिल रहा है, ठीक है। और दोस्तों अगर आप इस स्पीकर को ख़रीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा पहले नंबर पे, तो आप उस पर क्लिक करके इसको खरीद सकते हैं। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसे लगी। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और साथ ही साथ अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद बेल आइकन दबाओ, क्योंकि मैं रोज़ ऐसे ही टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों हम मिलते हैं कल। सो नमस्कार, बाय बाय, और सलामत रहें।